To city. आज हम फिजिक्स के जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वानिटीज तमाम बेस क्वानिटीज को फिजिक्स में किया जाता है जिसे हम किसी खास सिम्बल से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जैसे कि मैस का यूनिट है किलोग्राम और इसकी डायमेंशन है एम और लेंथ का यूनिट है मीटर इसकी डायमेंशन से कैपिटल एल टाइम का यूनिट है सेकेंड इसकी डायमेंशन से कैपिटल टी अगर हम डराइव क्वान्टिटीज की डायमेंशन को फाइंड आउट करना चाहें तो हम उनके यूनिट की मदद से इनकी डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे कि वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो मीटर के लिए लेंथ यानी कि एल और सेकंड के स्क्वायर के लिए टी का स्क्वायर अगर हम वर्क डन के लिए डायमेंशन को निकालना चाहें तो हमें वर्क डन के बेस यूनिट्स की जरूरत होगी जो कि हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और वर्क डन के ड्राइव यूनिट्स में है न्यूटन मीटर और जूल तो बेस यूनिट से जो हम डायमेंशन निकालेंगे वो बनेंगी एम एल का स्क्वायर ओवर टी का स्क्वायर ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनके यूनिट सेम हो इनकी डायमेंशन भी सेम होती हैं जैसे कि लेंथ डिस्टेंस डायमीटर वगैरह इनके यूनिट मीटर होते हैं इसीलिए इनकी डायमेंशन सेम होती हैं जैसे हम एल लिखते हैं इसी तरह वर्क डन और एनर्जी के यूनिट सेम होते हैं जो कि जूल होते हैं हम एनर्जी को भी इसके बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करके जब इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि एनर्जी और वर्क डन की डायमेंशन सेम है जो कि एम एल का स्क्वायर ओवर टी का स्क्वायर उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज